तो मैं कहना चाहता हूं ये सत्ता है ना साहब, वो संघर्ष से मिलते, और संघर्ष जब होते तो संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा होते। आज चुनाव का राजनीति है, प्रजातंत्र है तो वैचारिक लड़ाई होते, वो समय राजतंत्र रही से तो गला काटे काम करे थे, जैसे सत्ता छीने काम होते रही से, तलवार चले बंदूक चले, तो वो समय संघर्ष रही सत्ता के। जब सत्ता के संघर्ष करे के बाद समाज में जिन दुष्प्रभाव पड़ते वो दुष्प्रभाव खत्म करे बर ही संत मन के अवतरण होते और समाज में समरसता और भाईचारा बनाए काम करते। उही प्रकार से संत श्री कबीर साहब के भी अवतरण उही प्रकार से हुए कि सब समाज में जो विषमता है बहुत अकन बुराई आ गई से वो दूर करे बरस। और कबीर साहब जे नहीं तेन आदमी ले जीवन जिए के कला बतैस कि कैसे हमारे जीवन जीना चाहिए, हमारे उद्देश्य का है जन्म लेके, जीवन के उद्देश्य का है, मानवता के उत्थान कैसे हुई, काबर के सत्ता के संघर्ष में धरती पता नहीं दुनिया में कतेक बार लाल हो चुके हैं और धर्म के नाम से भी कतेक लड़ाई हो चुके हैं, लेकिन ऐसा समय में कि हम कैसे मानव मानव एक समान मानते हुए मानवता के सम्मान करते हुए एक दूसरे के हृदय में ईश्वर मानते हुए सबके सम्मान करना है। और फिर कबीर जी तो फिर प्रेम के कवि, समाज में परिवार में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में प्रेम भाव होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकते, ये बात कबीर जी के। और आज 600 साल बाद भी कबीर के वाणी आज भी समाज में सत्ता के संघर्ष में जिन दुष्प्रभाव पड़ा थे समाज में बोला यदि दूर करना है तो कबीर के रास्ते में ही चल के दूर किए जा सकते। आज भी सत्ता पाए पर हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ात बिड़ात बैठे, लेकिन ये कबीर के रास्ता है, संत महात्मा मन के रास्ता है, जिन ये जिन खाई घाव पैदा करते तिल मिटाए काम करते। और यही सब संत महात्मा मन के जिनवाणी है हमारे संविधान में है, और संविधान के व्यवस्था के तहत सब जन सत्ता के माध्यम से सबके सेवा होना चाहिए। सेवा एक ऐसे माध्यम जिन चाहे अमीर हो गरीब हो मजदूर हो किसान हो महिला हो नौजवान हो, एक सबके सेवा करना है, ये कबीर के रास्ता और ही हमारे संविधान में व्यवस्था है। और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उस दिशा में काम करत, हमारे सरकार सबसे पहली बात यह है कि आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ के आदमी मन कैसे मजबूत होए, और मजबूत करे बर ये प्रदेश है तेन धान के कटोरा कहलाते किसान मन के प्रदेश, तो सबसे पहली किसान मन के आर्थिक इसी से सुधारे काम करें, आर्थिक रूप से मजबूत बनाए काम करें। नहीं तो समय रही से कि एक समय कहा है कि किसान कर्ज में पैदा होते कर्ज में मर जाते, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है, कोई किसान के सिर में कर्जा के बोझा नहीं है, कर्जल उतारे काम पहले करें ना ओकर उत्पादन की कीमत देख काम लोग दोबारा करें, चाहे वो धान बोए चाहे वो गन्ना बोए चाहे मक्का बोए चाहे कोदो बोए कुटकी बोए रागी बोए, वो सब के समर्थन मिला। आज पूरा देश में सबसे ज्यादा यदि धान की कीमत मिला तो छत्तीसगढ़ में मिला थे, सबसे ज्यादा गन्ना की कीमत कम हुई तो छत्तीसगढ़ में, कोदो कुटकी के भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित नहीं करें हम छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित करें और खरीद एक व्यवस्था। तो ये प्रकार से सबसे पहले हमारे अन्नदाता मन है तेला मजबूत करे काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करी, दूसरा अर्थव्यवस्था सुधारे काम जिन मजदूर मन बढ़े, भूमि श्रमिक न्याय योजना हम लागू करें कि जेकर के एक डिसमिल भी खेती की जमीन नहीं है वह 7,000 रुपये सालाना देना, यू हिंदुस्तान में कोनो जगह ये योजना लागू नहीं है। और तीसरा गायक नाम से बहुत राजनीति हो साहब आप सब जाना था और हम सब भोगे भी हैं, पूरा देश में कतेक लड़ाई झगड़ा मार पीट खून खराबा भी हो है। लेकिन गौ माता की सेवा नहीं होती से हम तो गोबर खरीद के भी गौ माता से भाई गौ माता चारा खावे तब तो गोबर मिलेगा, तो गोबर खरीदे शुरू करवाएं, गोधन न्याय योजना शुरू करें और ओकर माध्यम से जहां लोगन के अर्थव्यवस्था सुधारे काम करें, गौ माता की भी सेवा करें। आज वर्मी कंपोस्ट बना था खेत में डाला था तो धरती माता के भी छत्तीसगढ़ माता की हम पूजा करें, तो धरती माता की भी सेवा करे काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करत, तो लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाए के काम, चाहे किसान हो चाहे गौपालक हो चाहे मजदूर हो, ओकर आर्थिक स्थिति सुधारना चाहिए। दूसरा काम शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हमारे काम चला थे, अब तो हमारे साल जब का भी स्कूल है वो हमारे विद्या के मंदिर कहलाते,
जीर्ण शीर्ण नहीं होना चाहिए। अभी 17 तारीख के 4 साल हमारे सरकार के पूरा हुई, 1000 करोड़ रुपया दे हूँ ताकि जतका स्कूल मन है तेकर अतिरिक्त हमारा बने जीर्ण शीर्ण है तेनों सुधरा और रंग रोगन होना चाहिए। अब तो गोबर के पेंट भी बना था कई जगह हमारे प्रदेश में शुरू हुए साहब, गोबर के प्राकृतिक पेंट। कुमारप्पा स्वामी जी से गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक, ओकर नाम से एक फाउंडेशन बने जयपुर में कुमारप्पा स्वामी के फाउंडेशन, ओकर साथ हमारे मन के MU हुई और ओकर मन के जिन टेक्नोलॉजी है ओकर माध्यम से जो हमारे गौठान मन में कई जगह मन उत्पादन करत हन। अभी रायपुर नगर निगम जिन कार्यालय है तेन भी प्राकृतिक पेंट से पोताई हुए, तो हमन अब वो पेंट ला जतका स्कूल बना थे तेला ओकर से पोताई करबो ताकि हमारे वो जिन महिला मन काम करे थे वो रोजगार भी मिले, 4 पैसा ओकर आमदनी हो और हमारे स्कूल भी बड़े सुंदर दिखाए। तो यह प्रकार के व्यवस्था आज रोजगार के बड़ा समस्या, रोजगार के दूर करे बर लगातार हमारे सरकार काम करत है। जहाँ किसान मन के, मजदूर के, महिला मन के रोजगार के वही प्रकार से रीपा हम शुरू करें, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क महात्मा गांधी के जन ग्राम स्वराज तेकर कल्पना करते हुए उल हम शुरुआत करें और ओकर माध्यम से हमन नौजवान लड़का मन भी रोजगार दे के काम करबो। अब बाबा राम देश भर कावर सरसों तेल ल बेचेगा, हमारे गांव के बेटी बेटा मन नहीं पेड़ के बेच सकते, ओकर से तेल घानी बोर्ड भी बनाए जिन गौठान है जिन तेल पेर एक मशीन भी देतन, आटा बनाए भी मशीन देतन, धनकुट्टी भी देतन, तो तमाम प्रकार के सुविधा हम उपलब्ध करा था ताकि हमारे लड़का मन रोजगार मिल सके। अभी वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जमीन भी उपलब्ध करा था, घेरा भी करबो, शेड भी बनाबो, पहुंच मार्ग भी बनाबो, बिजली भी आधा कीमत में देबो और बैंक फाइनेंसिंग की भी व्यवस्था करबो ताकि हमारे लड़का मन ओकर लाभ मिल सके और ओकर जो उत्पादन है तेकर विक्रय भी व्यवस्था मन करबो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगन ला रोजगार मिल सके। हमारे छत्तीसगढ़िया मन तो धंधा उंधा आए नहीं ज्यादा, कुछ समाज है चाहे केवट हो, ढीमर हो, मरार हो, देवांगन मन ईच मन थोड़ी पारंपरिक रूप से धंधा करते, बचत मन ला तो बस खेती किसानी वाला रहना, तो धंधा उंधा होते आए नहीं। तो ये सब व्यवस्था ला अभी जत का गौठान बने है वो जन समान उत्पादन होते सब जिला में हमारे सी मार्ट बनाए उत्पादन होते तो उन्होंने विक्रय व्यवस्था होता कि वो जिन महिला मन उत्पादन कर रहे थे वो बेचे झंझट मत हो। तो ये प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न बनाए के काम स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे थे। तो अब जिन बचे थे संस्कृति के जिन क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जाति धर्म और संप्रदाय के मर थे और विभिन्न हमारे पंथ वाला मर रहे थे, तो वो सब चीज मतलब बढ़ावा दे में कोई प्रकार के हमारे भेदभाव नहीं करा था। जहाँ राम वर्ग मन पर्यटन परिपथ बना था तो वही आदिवासी समाज के जिन देवगुड़ी है, गोटुल है, ओकरो निर्माण करे काम करे थे। हमन आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन होते और साथ साथ अब कबीर पंथ के आपके साहब आपके मार्गदर्शन में अभी जिन कबीर जिन कबीर सरोवर के भी हम स्वीकृति प्रदान कर दें। अब ताम्रा ध्वज भैया तो माफी मांग रहे तो मोल ज्यादा कहे की जरूरत नहीं, लेट हुआ थे तेकर क्षमा, बजट उजट में सब हो गए, टेंडर हुए हो गए, अब वो जनवरी से शुरू हो जाए कहा थे तो बहुत जल्दी शुरू करा दे भैया बढ़िया, तब जुलाई जून जुलाई के दिन पानी घिरी तो भरेक शुरू हो जाए। हमारे कर 5-6 महीना बचे है, वो बढ़िया से तेजी से काम होना चाहिए, उनमें कोई प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। यदि अच्छा आशीष भाई है यहाँ कहे लोलेसरा में भी यहाँ मेला स्थल में बढ़िया से साधु कुटीर बनना चाहिए, सामुदायिक भवन बनना चाहिए, साधु संत मन आहित कर्म के निवास होना चाहिए, तो उनमें कोई कमी नहीं आता ना। 1 करोड़ रुपये घोषणा करा था, बढ़िया से भवन बनना चाहिए, साधु संत भी रहा है और आम जनता भी आके निवास कर सका है, 1 करोड़ रुपये की घोषणा। दूसरा जन साहब जिन बात कही ये जिन जमीन है हो सकते है नियत परिवर्तन करे लगी और सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, तो यदि हमें कुछ चेंज वगैरह कर कबर को चारागाह जमीन कहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हमन परिवर्तन नहीं कर सकन तो ओकर बदला में कोई दूसर जमीन गांव वाला मन या ग्राम पंचायत प्रस्तावित कर दे तो जमीन के अदली बदली करके जमीन ले दिए जा सकते हैं। लेकिन वो जमीन लग गाँव वाला मन बताया लगे लोले सरक सरपंच तो आए रही कहा किरण का नाम होकर नोनी के हाँ, तो वो बूता तोड़े ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करवाबे ओकर बाद कलेक्टर ले देवे वो चेंज कराए लगे और तू ही मना डांगा लगा दो मैं यहाँ घोषणा कर दे तो फिर हो गई बूता ठीक है।
हाँ तो बोल जैन भी कवर की जैन जमीन है जेकर नाम से अलाट हो गए वो वापस कराना एक कठिन काम रहते। हमन तो अब रविन्द्र चौबे जी बैठे हैं हमारे वरिष्ठ मंत्री, अब वो कुक्कुट पालन पर बने दुर्ग में पहली, अब वो उन्हें कलेक्टेड बनावो कहा तो जमीन अभी हम ही मल्ला नहीं मिला थे कलेक्टेड बनाना दुर्ग में थे, अब वो में बड़ा मशक्कत करे लगती जमीन की चीजें वो इतने रहे कि बहुत समय लगते। तो ये यदि जमीन यदि अचारा गाके तो गांव वाला मल्ला ही प्रस्ताव करके दे लगी बोला देम कोई तकलीफ नहीं, निश्चित रूप से जमीन हम उपलब्ध कराओ, नहीं तो कोई दूसरा जमीन हुई तो कर बदला में बोला ट्रांसफर करा दे। ते प्रकार के काम करे लगी। दूसरा जिन साहब जिन केस के वो जिन गांव है बगली, अब वहाँ बदली गांव थे रोड वगैरह बनाए के बात है, निश्चित रूप से कामराज दस भैया होकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है जिम्मेदारी देता हूँ, मैं घोषणा करा था कि वो रोड के बढ़िया चौड़ीकरण भी हो, पुल पुलिया की जरूरत पड़े रपटा में काम नहीं चले पुल पुलिया भी जरूरत पड़े तो बोला परीक्षण करा ले DPR बना ले और बजट में शामिल करके बोला स्वीकृत करा दे। ठीक है साहब, अब ताली वाली जोर से बजाओ तब तो गा। और ग्राम पंचायत नेवसा में उस स्वास्थ्य केंद्र के भी मांग करे है, तब यहाँ गुरदयाल बंजारे बैठे तोरे क्षेत्र का मामला है ठीक है, नहीं घोषणा करना है नहीं करना साहब के भी आशीर्वाद है गुरदयाल भाई के भी सहमति है तो ओकर बर उस स्वास्थ्य केंद्र के भी घोषणा करा था। तो दो तीन ठक बात रही से इतका बात लगाते हुए हमर जन सरकार है तेना जहाँ लोगन के आय बढ़ाए काम, दूसरा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और तीसरा जन संस्कृति है हमारे छत्तीसगढ़ के जन पहचान है, कोनो सतनाम मानते कोनो कबीर पंथ मानते कोनो औ पंथ, अब ये खुद आशीष छाबड़ा कौन से पंथ वाला हैं सिख पंथ है तो एकरो बर गुरु नानक देव आर्य गढ़ फुलजर उहुल हमन धार्मिक पर्यटन के रूप में स्वीकृत करे हैं। तो ऐसे जैन भी है हमारे छत्तीसगढ़ जैन पहचान दिला थे, और हम सब जैन मानथन जो हमारे आस्था केंद्र है ओला विकसित करे बर कोई प्रकार के कोताही नहीं बरता था, ज्यादा से ज्यादा राशि दे थन ताकि हमारे जिन छत्तीसगढ़ की जिन संस्कृति है तेन आगे बढ़े, और ही हमारे मन के पहचान है, और सब जत का भी सब ला मिला के एक जिन संस्कृति होते थे छत्तीसगढ़िया संस्कृति है, और ही हमारे सबके पहचान है, तो वो आगे बढ़ाए के काम पुष्पित और पल्लवित करे काम हो छत्तीसगढ़ सरकार करा थे। तो लगातार साहब जिन आदेश करे है निश्चित रूप से वो आदेश के पालन हो ही ये बात तक कहते हुए अतिक समाज के बीच में बहुत मतलब हमल भर तो यह बहुत ही गर्व की बात है कि गुरु गद्दे में बैठे के बाद भी ब्याज गद्दी से बैठे के बाद उन्हें से आशीर्वचन देते साहब, लेकिन जब हमन आथन तो खड़ा होके माइक से अपन बात लग कही थे तो ये हमर मन पर बहुत गर्व की बात है। मैं साहब ल प्रणाम करते हुए आप सब ल प्रणाम करते हुए बोलो कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी, साहेब धन्यवाद।